So next is Tanya Conda. बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज के बरस गए, पर उनकी एक झलक को हम ए हुस्न के मालिक तरस गए। चिंटू चिंटू आज तू आ जा घर, तेरी टांगे तोड़ती हूँ। ये लड़का अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। पढ़ाई के नाम पर तो कभी इसे नींद आती है और कभी इसकी तबीयत खराब हो जाती है, और शरारतें शरारतें से जितनी करवा लो उतनी कम है। अरे मैं तुम्हें, हमारे पड़ोसी तक दुखी है इससे। परसों ही दयाराम चाचा की लाठी उठा लाया, वो बेचारे बिना लाठी के पूरा दिन परेशान रहे। खेलने जाएगा तो गांव से शिकायतें, पढ़ने जाएगा तो स्कूल से शिकायतें। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अरे ना मेरी सुनता है ना मेरा कहाँ मानता है। पापा का लाडला जो ठहरा, वो भी इसे कहाँ कुछ कहने देते हैं। मजाल है जो पूरे गांव में उनके सामने कोई से कुछ कह दे। खुद तो बैठे हैं वहाँ दूर बॉर्डर पर देश की रक्षा करने के लिए, और इस तूफान मेल को संभालने के लिए मुझे छोड़ दिया है। खुद तो आएंगे वो साल में 2-3 महीने को बस, और पूरे साल भर की शरारतों की ट्रेनिंग दे जाएंगे इसे। जब भी छुट्टी आते हैं दोनों बाप बेटे घूमने पर रहेंगे। जब तक वो स्कूल से आ नहीं जाता तब तक वो भी बेचैन होकर इधर से उधर घूमते रहते हैं। इधर वो स्कूल से आया और इधर दोनों बाप बेटे गायब। गांव वाले इज्जत भी बड़ी करते हैं, और करेंगे क्यों नहीं, पूरे गांव में अकेले फौजी जो ठहरे। पर मुझे तो बड़ा डर लगा रहता है हमेशा। जब भी बॉर्डर से लड़ाई की खबर आती है दिल कांप उठता है। अगर इनसे कहो तो कहेंगे, तारा तू इतनी चिंता क्यों करती है, देश के लिए जान देने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। अरे फौजी तो मर कर भी अमर हो जाते हैं अमर। अब भला इन फौजियों को कौन समझाए कि फौजी तो मर कर भी अमर हो जाते हैं, लेकिन उसका परिवार, उसका परिवार तो जीते जी मर जाता है। कोई नहीं पूछता उन्हें बाद में, सब भूल जाते हैं। अरे सरकारें तो सरकारें, वो लोग तक भूल जाते हैं जिसके लिए उसने अपनी जान दी होती है। खैर ये तो ठहरे फौजी, देश प्रेम की ही बातें करेंगे। अरे मुझे तो लगता है कि इनकी रोगों में खून नहीं देश प्रेम दौड़ता है। इनके दिलों में धड़कन नहीं भारत माता बसती है, भारत माता। खैर ये तो ठहरे फौजी, इन्हें अपनी भारत माता के अलावा कुछ सूझता ही कहाँ है। इनके आगे अगर कहो तो कहेंगे, चिंता ना करो चिंता ना करो। नमस्कार, आज की मुख्य समाचार। कश्मीर में जवानों का एक और दल पत्थरबाजों का शिकार। हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब क्षेत्र से संबंध रखने वाले जवान अशोक कुमार हुए Ha ha ha!
ये तो पा...